सुना होगा ये शब्द, कोई एक सिंगल स्टूडेंट है जो हमें बता दे। हमारी धरती पर जो अलग अलग जीव हैं और जैसे फैक्ट्री वगैरह हैं, इनसे जो गंदगी वगैरह निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं, इनसे हमारी जो नदी वगैरह है वो प्रदूषित हो रही है और पेड़ पौधों को भी खतरा बन रहा है। ठीक है, शाबाश, इसकी भी क्लैपिंग हो जाए। इन्होंने बताया, थोड़ा बहुत सही बताया, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का हिंदी का शब्द है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है, जैव का मतलब जीवित और विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। जैव विविधता का मतलब हुआ जहां पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, वो हमारी जैव विविधता है। टीएससी के साथ हमारी टीम के साथी भी उनके पहुंचे हुए हैं यहाँ, भारती अरोड़ा जी जो फतेहाबाद जिले को रिप्रेजेंट करती है। आज सभी का यहाँ आने का मकसद जो हमारा है, जैसे मैंने बताया, जीव विविधता। दूसरा, इसीलिए आपके लड़कियों के स्कूलों में हमारा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि अगर हमने आपको समझा लिया, आपने अपने दिमाग की ये बातें दिमाग में बैठा ली, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप इस प्रकृति को चेंज करने में हमारे लिए एक अहम रोल मॉडल का काम करेंगे। इस बार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अभी आएगा ना राखी का त्योहार, एक राखी उस पेड़ को भी बांध देना जो आपके आंगन या खेत में है, उससे क्या होगा कि आपका भावनात्मक रिश्ता उससे जुड़ेगा। उसके बाद कोई उस पेड़ का पत्ता भी तोड़ेगा, अगर रियल में उसने भाई समझ के राखी बांधी है, उसको दर्द जरूर होगा, उसको और रक्षा। एक 80 वर्ष का व्यक्ति एक आम का पेड़ लगा रहा है, तो उसे देखकर कुछ हंसने लगे। आवाज नहीं निकल रही। मैं क्यों लगा रहा है 80 साल का आम का पेड़, तो काफी दिन बड़ा होता है। तो एक दो ने कहा, आप पागल हो गया, क्या बात है, क्या आम का पेड़ लगा रहे हो, ये जब बड़ा होगा फल देगा तब तक तो आप क्लिप हो जाओ, क्या वो पेड़ मैंने लगाए। तो ये जो बातें बता रही हैं बागड़ी जी, ये दूरगामी परिणाम तुम्हारे छोटे बहन भाई या स्कूल में तुम लगाओगे तो उनकी छाया बैठेंगे। दो में भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया था कि भी जैव विविधता को बचाने के लिए हम क्या करें, उसके साथ ही नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का गठन किया गया। भाई चेक तो नहीं किया तो बच्चों बता दियो, कदे बोर हो गया हो तो मेरी भाषा का याद होता है तो जी। भाई देखो, जो एक नए विषय है इसको समझना बहुत जरूरी है और आपके लिए तो बहुत जरूरी है, तो हम तो बता सकते स्टेज पर बुलाना चाहूंगा आशी शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं, उनका मंच है दिखाए एवं बहुत ही सुशील इस स्कूल के प्यारी छात्राएं। जब मैंने स्कूल में आज एंट्री की, मेरे को दो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियाँ महिला के रूप में मिली। हम हर रोज स्कूल में जाते हैं तीनों दिनों में, बच्चों से मिलते हैं, प्राध्यापकगण प्राध्यापिकाएं सबसे मिलते हैं, लेकिन इस स्कूल में जो पर्यावरण का जो मुझे मिला अद्वितीय है। सभ्य बच्चे और सभ्य स्टाफ, नहीं तो कई बार तो हमें कक्षाएं लगी होती है ना, तो विष्णु भाग जी जी मेरे साथ होते हैं वहाँ जी जगह शोर है ना, पढ़ाई चल रही है बात भाई, बहुत इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए हम सभी स्कूल के मुखिया छात्राओं और अध्यापिकाओं को शुभकामनाएं देता हूँ। तब मैंने एक काम मिला था तकनीकी सहायता समूह, टीएससी कहते हैं हमारे वक्त सभी, तो बिल्कुल नया नया प्रशिक्षण लेके आए जुड़ा का सब, तो इसके लिए मैं इनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने ये कार्य मिला, मेरा टेंडर हुआ,
और मुझे गवर्नर की तरफ से एमओयू पे हस्ताक्षर करने के लिए बुला महिला IFS है डॉक्टर अमरिंदर कौर जी, वो मेरी 28 साल से बहन थी और बड़ा ही संयोग का विषय है, उनकी मेरी प्रथम मुलाकात 28 साल पहले शिवानी मंडी में ही हुई थी, तब मैं क्षेत्रीय प्रबंधक था श्रीराम फर्टिलाइजर में। मैंने कहा बहन जी एक काम तो दे दिया आपने, सारा मेरा एमओयू पे भी साइन हो गया, ये मेरे को एक पुस्तक दे दी और मां आ गया। मैं इसको आते ही मैं दीवानी मेरे भाई को बोला, भाई क्या आया बड़ी तब बढ़ है स्टीक, बोला भाई एक किताब देना मैं देख के बता दूंगा तेरे को दो चार दिन में, वो मैथ के लेक्चर ले। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा हमने इस पुस्तक पे, और ये संयोग का विषय है विष्णु बागरी जी और सुरेश कुमार जी, सबसे पहले इन्होंने मेरे पास ही काम किया था, बाद में इनका सिलेक्शन हुआ, मैं बाद में बोर्ड में गया पंचकूला में, तो कम से कम 100 बच्चे खड़े थे जिस दिन इनका अलग अलग इंटरव्यू होता सुरेश जी का विष्णु जी का। मैंने कहा जी क्या हो रहा है, बोले ये इंटरव्यू हो रहा है। तो शाम को इनका एक 100 बच्चों में से एक ही लिया गया था, एक ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लिया गया था हमारे सुरेश जी भिवानी से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विष्णु जी मेरे साथ जींद में कोऑर्डिनेटर है, भारतीय अरोड़ा उमेश जी के पास से फतेहाबाद में है, उमेश जी हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं जिले देखते। तो मेरा जो मेन उद्देश्य है यहाँ बताने का, हम ये लोक जैव विविधता पंथी का पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्री, इसको इस पे हमारा फोकस है, मेरी जो PhD का है ये है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी, और इसमें सबसे पहले विशेष आमंत्रित सदस्य गांव में कौन कौन हुए, जिस तरह प्रिंसिपल साहब उनका टेलीफोन नंबर भी मिलेगा इसमें, इसमें उनका क्वालिफिकेशन भी मिलेगी कब से कब तक है, आपके स्कूल का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से GPS मैपिंग हुआ है वो भी इसमें जब ये तैयार हो के आ जाएगी विद इन 4 या 5 डेज तो उसमें आपको सार्थक कुछ मिलेगा। और इसमें से 4 प्रकार की वो है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तो समझ गए ना आप, आपकी भी बायोडाइवर्सिटी है कि हर किसी की शिकल नहीं मिलती, दिस इज द आल्सो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ, आपने विष्णु जी ने सुरेंद्र जी ने सारा बताया है भारती जी ने, बट इज द बायोडाइवर्सिटी। तो आप भली बात ही समझ गए होंगे, इस बुढ़िया ने पूरा वाक्य ही कर दिया था लेकिन थोड़ी गड़बड़ रहेगी ऊपर नीचे की। तो ये 4 तरह से इस पुस्तक में उल्लेख होगा, एक तो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी, कृषि विविधता, जैव विविधता, और एक डोमेस्टिक घरेलू क्या है, घर में क्या 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 पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, घर में क्या क्या तुलसी है या नहीं है, इसमें ये डोमेस्टिक में आता सारा। एक वाइल्ड डाइवर्सिटी, जंगली जैव विविधता, और चौथी है अर्बन बायोडाइवर्सिटी, ये भी शहर में है किस तरह शिवान तो शहर में आ गए, इसमें क्या क्या बायोडाइवर्सिटी होगी, और जो जिस तरह से प्लांट की बायोडाइवर्सिटी होगी, तो व्हाट इज द नेम ऑफ प्लांट, पौधे का नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, और इसका स्थानीय भाषा में नाम क्या है, इसका लैंडस्केप क्या है, भूमि उपयोग क्या है, और छठा इसमें स्थानीय स्थिति क्या है, और बीज पौधों के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, पारंपरिक ज्ञान क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, जिस तरह से रुक्मणी जी है पर्यावरण प्रेमी और विष्णु जी ने करे थे इनका नाम क्या है, इनका भी हम उल्लेख करेंगे। हु केयर अबाउट द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द प्लांट, ओके, और उपयोग किए जाने वाला भाग क्या है, शिवानी मंडी में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, GSS सीनियर सेकेंडरी के पास होता है, या हमारे वन विभाग के अधिकारी के कार्यालय के पास होता है, या डाका साहब के गांव में होता है, अनिल जी के गांव में होता है, तो उनसे भी हम लेंगे कि ये लिखेंगे इसके बारे में हम कर रहे हैं, अंत में इसका जो है ना एक हम समरी लिखेंगे, जिस तरह शिवानी मंडी में एक थाना पुलिस स्टेशन है, BDO ऑफिस है, PWD रेस्ट हाउस है, इतने साल इस आदमी ने इसको बसाया, इस आदमी ने इसका नाम कर दिया, इसके सब बारे में लिखेंगे। और जहाँ तक स्कूल के बारे में आपका, आपके स्कूल के सारे सोर्स लिखेंगे, हम कितने बच्चे हैं,
आपको क्या क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जाते हैं इसके बारे में स्कूल का प्रॉब्लम बाहर से भी होगा और अंदर से भी होगा। तो तब यह आ जाएगी सर, अगर आप अलग अलग गांव से हैं तो आप उनके सरपंच को आप अगर वो जीत गया है तो उसको भी पूछ लेना। ये 2019 में एस्टेब्लिश हुई सर है, 2019 में हमने BMC बनाई थी, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। उससे पूछ लेना कि बायोडायवर्सिटी वाला कोई आया था तो बता देगा आया था, तो सब्जेक्ट बताओ तो हमने थोड़ा दिया है। और उसके खाते में अभी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जो है चेन्नई में उसका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लोग जैव विविधता पीड़िका के बारे में पूछे। और आप जिस नाम से मैंने ये NGO रख रखा है सभी चैरिटेबल सोसाइटी एक्सपायर हो गई थी, उसका हैप्पी बर्थडे भी है। और उसकी तरफ से मैं स्कूल को 3100 रुपये का प्रिंसिपल साहब को जाते हुए चेक या कैश दे जाऊँगा। धन्यवाद, इतना हालांकि मनाया जाता है 22 मई को, लेकिन हम ये कार्यक्रम आज आपके स्कूल में कर रहे हैं और हमें ये मौका मिला है, आपके द्वारा दिया गया है ये मौका कि हम इस जागरूकता कार्यक्रम को आपके साथ में साझा कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या और इसका महत्व तो क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और किस लिए हम ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाना शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था। आप सबने महाभारत और रामायण के बारे में सुना है, देखा है? Yes, sir. देखा है ना? Yes, sir. तो उसके अंदर दो अलग अलग घटनाएं हैं। होता है तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, क्यों दिया था कोई बता सकता है भाई? उस उपदेश को देने की जरूरत क्या पड़ी थी? ये अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आप सबको, आम जनता को, बच्चों को, सबको उसके कर्तव्य क्या हैं उनकी याद दिला सके। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम जो हमारा नैतिक दायित्व है उसको भूल चुके हैं। दूसरी बात, दूसरी घटना है रामायण की। आपने देखा होगा कि जब माता सीता को रावण हरण करके ले जाता है तो बंदरों की पूरी टोली, जिसमें हनुमान जी भी शामिल होते हैं, वो उनको खोजने के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो समंदर के तट पर पहुंचते हैं उनको बताया जाता है कि लंका है वो काफी दूर है, यहाँ पर 100 योजन समुद्र लांग करके जाना पड़ेगा। अब बात हुई कि इतना बड़ा जल क्षमता वाला सागर है उसको पार करके जाएगा कौन? कौन गया था भाई? हनुमान जी गए थे। अब वो गए थे तो शुरू में उनको इस बात का पता नहीं था क्योंकि वो अपनी क्षमता को भूल चुके थे। उनको याद दिलाया गया कि आप लोग इतने शक्तिशाली हो कि इस समंदर की लहरों को चीर करके कितनी भी दूर जा सकते हो। तो इसीलिए हम इस तरह के ये जो आयोजन कर रहे हैं उनका मकसद यही है ताकि हम आप लोगों को ये एहसास दिला सके कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपकी जो ऊर्जा है वो आपको कहाँ ले जा सकती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। जैव विविधता का क्षेत्र उनमें से एक है। आप शिक्षित बनोगे, आप जानोगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता यानी जो जीवों की अलग अलग प्रजातियां आपके यहाँ आसपास में आप देखते हो तरह तरह की। अभी बारिश का सीजन स्टार्ट होगा ना तो उसमें आपको देखने का मिलेगा एक छोटा सा बल्ब है उसके आसपास भी सैकड़ों तरह के कीट पतंगे मिलेंगे आपको। आप अपने घर के आसपास देख सकते हो छिपकलियों के अलग प्रकार की प्रजातियां, घरेलू छिपकलियां हैं, गो है, देखते हो ना, मेंढक की कई प्रजातियां आपको मिलेंगी, पेड़ पौधों की तो है ही है। तो सभी प्रकार के जीवों की जो प्रजातियां हैं वो जैव विविधता के अंदर शामिल है। और हम
इसके बारे में चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो शब्द है सबसे पहले आया था 1916 में निकल करके कि जीवों की विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति ही क्या है, जैव विविधता है किसी विशेष क्षेत्र के अंदर। हमारे यहाँ भी बहुत सारी प्रजातियां मिलेंगी आपको, पहले थी लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ये शुरू हुआ था 1988 से, जब इस बिखरती हुई जैव विविधता को, इस उजड़ती हुई प्रजातियों को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, आपने नाम जरूर सुना होगा, उन्होंने सभी सदस्य देशों के साथ में मिलकर के ये कहा कि हम दिन प्रतिदिन अपनी प्रजातियों को खोते चले जा रहे हैं। आपने शायद नाम सुना होगा डायनासोर का, बायोलॉजी पढ़ते हो ना बच्चे? तो आपने उसमें अलग अलग एरा, अलग अलग युग के बारे में पढ़ा होगा, मेसोजोइक, सेनोजोइक पढ़ते हो ना? उसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी थे, अलग अलग बड़े बड़े आकार के जीव थे, लेकिन आज वो कहाँ है? यहाँ नहीं है ना, क्योंकि वो खत्म हो गए। और खत्म होने का कारण क्या है? हम मनुष्य, हमारी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं इस चीज के प्रति जिम्मेदार है। तो 1988 में इस जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य है वो शुरू हुआ था। और क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च अध्ययन है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आता है कि जीवों की जो प्रजातियां है वो किस दर से खत्म हो गई है। अगर हम आज के दर से देखें तो तकरीबन प्रति वर्ष 25,000 से 27,000 प्रजातियां हैं पूरे विश्व के अंदर हैं, वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। अभी आपने सुना भी होगा कि हमारे देश में चीते नहीं थे, सुना है ना, बाहर से मंगवाए गए थे। अब वो क्यों खत्म हुए पता है? क्योंकि पुराने समय में जो राजा महाराजा थे ना, उनको शिकार करने की आदत थी, उनको अपने स्वार्थ से मतलब था। और घरों में वो क्या करते थे, कोई जानवर मारा उसकी खाल, जो कि चेन्नई में है उनका मुख्यालय, उनके द्वारा 40 के लगभग संरक्षित क्षेत्र है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, जिनमें अलग अलग प्रजातियों को संरक्षित रखा गया। और अभी हम हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो पंचकूला में है उसके तत्वाधान में ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक, आज तक हमारे हरियाणा में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। हम फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि हमारे हरियाणा में भी एक ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है वो तैयार करवा पाए, घोषित करवा पाए। तो बहुत जल्द आपके सामने ये उपलब्धि भी आपको मिलेगी कि आपका हरियाणा है वो भी जैव विविधता विरासत स्थलों की सूची में आएगा। तो ये प्रक्रियाएं जो चल रही हैं जैव विविधता संरक्षण की, ये हम आगे निरंतर जारी रखना चाहते हैं। क्योंकि हमने क्या किया है, अपने घर बनाने के लिए, अपने आप को विकसित दिखाने के लिए प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। इसलिए जो प्राकृतिक जगहों पर रहने वाले जीव जंतु है उनको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, और वो प्रजातियां धीरे 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 है आज खत्म होती जा रही है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनका प्राकृतिक वातावरण उनको लौटा सके। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जागृत रहें और इस मुद्दे को हल्के में ना लें, नहीं तो जैसा कि 2012 में ये बताया गया था कि अगर वर्तमान दर से प्रजातियां लुप्त होती रही तो 2050 तक 58% है जो प्रजातियों का वो लुप्त हो चुका होगा, और अगले 10 से 15 वर्षों में लगभग 30% हिस्सा है विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का वो खत्म हो जाएगा। एक अकेले लैटिन अमेरिका की हम बात करते हैं ना, तो वहां पर आज तक जो पुराने समय से लेकर के प्रजातियां थी 83% प्रजातियां है वो खत्म हो चुकी हैं। और आपको याद रखना होगा कि कोई भी जीव है वो इस धरती पर अकेला नहीं रह सकता, सभी जीव जैसे हमारा हाथ है उसकी उंगलियां आपस में कनेक्टेड है, हमारा शरीर है उसके अंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
और बिना किसी दूसरे के सहयोग से वो कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार अगर पृथ्वी पर से एक भी जीव खत्म होता है तो दूसरी प्रजातियों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ना तय है। तो आप सबको मित्र के यह तय करना है कि क्या आप उनको खत्म होने दोगे या बचाए रखोगे। आपने डायनासोर नहीं देखा तो क्या आप चाहते हो कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो घरेलू छिपकलियां भी ना देख पाए, ऐसा चाहते हो? बहुत से बच्चे हैं ना, अभी हमारा एक इवेंट था हिसार के अंदर, वहां पे कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं सर स्नेक रिपेलेंट दे दो, आपके पास में उपलब्ध है तो। अरे भाई सांप को भगाने की क्या जरूरत है किसी केमिकल से, हम घरों में प्रयोग करते हैं ना कि छिपकली आ गई मकड़ी आ गई तो हम क्या करते हैं काला इट ले आओ और छिड़क के मार दो उनको, क्यों भाई क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? अरे मैं कमाल करते हो, कोई जीव तब तक आपको नहीं नुकसान पहुंचाता जब तक आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं गलत कह रहा हूँ भाई? मैम कह रहे हैं कि डर लगता है, कोई भी जीव हो वो तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने वीडियो देखी है ना, कोई दवाई लेते हैं वो हमारे शरीर के अंदर केमिकल चला जाता है, कोई दूसरा जीव उस जीव को ग्रहण करता है तो वो उससे आगे उसमें चला जाता है। इस प्रकार के जो हमारे एक आहार श्रृंखला है उसके टॉप मोस्ट के जो जीव होते हैं ना उनके अंदर उन केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और वो जीव धीरे धीरे क्या हो जाते हैं बीमारियों से ग्रसित होकर के उनका डीएनए जो है वो बदल जाता है और वो खत्म होते चले जाते हैं। तो गिद्धों के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आज देखने को नहीं मिलते सिवाय एक के, पंचकूला में है गिद्ध प्रजनन केंद्र है, वहां पर उनको संरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, सिर्फ वहां पर देखने को मिलते हैं ज्यादातर। और एक पंजाब से उड़कर के घायल होकर के आया था, सिरसा में कोई केयर सेंटर है वहां पर उसकी देखभाल चल रही है। तो क्या आप यही चाहते हो? अब आप कोशिश करिए कि अगर भी आपको भी कोई ऐसा जीव जंतु है जिसको किसी प्रकार की चोट लगी हो उसको बचाने का प्रयास करें और दूसरी प्रजातियों को भी बचाने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आप सबको ये बात, और मैं आप सभी की तरफ से सभी अतिथिगण को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो उन्होंने आज जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं तो विद्यालय परिवार उन सबको विश्वास दिलाता है कि उनकी बातों के ऊपर सभी बच्चे उनका अनुकरण करेंगे, उन बातों का ध्यान में रखकर इन सारी बातों को अपनाएंगे। और एक बार पुनः मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत विनम्र करता हूँ। समय निकाला और सभी बच्चों के लिए स्टाफ सदस्यों के लिए बेहतर जो हमारे दर्शन के लिए आप सभी का पुनः थैंक यू।